गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 वीक, अगर मैं गलत नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुका है। और कहीं पे भी यार कोई ट्रैवल करने का बहुत प्लान बनाया बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2 बार कोशिश किया कि हाँ कहीं पे चला जाऊं, लेकिन यार इतनी ज्यादा बारिश और वो सारी फ्लड वाली जो सिचुएशन थी ना, हिम्मत ही नहीं हुआ कि यार कहीं पे मैं प्लान कर सकूं। क्योंकि यार कहीं ना सेफ्टी एक ऐसी प्रायोरिटी हो जाती है ना जो कि आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब वो उसको ओवरलुक करते हुए जाना ना थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा था। सो ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद या 15 डेज के बाद जो है एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और मनोज भाई का जो है एक बड़ा ट्रिप प्लान हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें थी कि भाई बड़ा ट्रिप प्लान होना एंड देन फिर कुछ ना कुछ खरीदना था उस ट्रिप के तैयारी के लिए, तो धमाकेदार ट्रिप करने के लिए तो कुछ ना कुछ नया खरीदना पड़ेगा ना। तो उसी सिलसिले में जो है आज निकले हैं, और कहाँ जा रहे हैं तो वो लाजपत नगर जा रहे हैं। लाजपत नगर में एकाध गैजेट्स वगैरह जो हैं वो खरीदा जाएगा, और उसके बाद फिर मनोज भाई से मुलाकात भी की जाएगी। शाम के बज चुके हैं, 6:00 हो रखा है, और यार बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब बादल वाला मौसम है ना। धूप तो थी बट बहुत तेज धूप नहीं थी, तो मौसम बहुत ही ऑसम हो रखा है। और भाई लो बारिश शुरू हो गई, मतलब एक दिन घर से बाहर निकला हूँ और उसमें भी यार बारिश छोड़ ही नहीं रही है साथ। अब वहां तक पहुंचते हैं, देखते हैं यार अगर वहां पे भी बारिश होने लगी तब तो कहीं नहीं जाएंगे, एक शॉप पे जाकर के पूछ करके एंड देन फिर हम वापस आ जाएंगे। कोई नहीं, फिलहाल बारिश का भी मजा लेते हैं, थोड़ी देर तो इंतजार करना ही है, बारिश जब चली जाएगी तब निकल लेंगे। आप जो है छोटी मोटी बारिश का एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे थे कि चलो यार ये बारिश तो रुक जाएगी, और यहाँ देखो भाई इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी से भी निकल पाऊंगा बाहर। मनोज भाई ऐसे टाइम में आए हो, आफत ही है ये। तो भाई एक बार एक टर्न मारना ही पड़ेगा, और यू टर्न लेकर के फिर ही जा सकते हैं क्योंकि बीच से जाना ठीक नहीं है। ऑल्दो मैं पार्किंग में लगाने के लिए गया, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे भी पार्किंग मिल जाएगी आपको। चलो ट्राई कर लेते हैं भाई, और बारिश रुक गई है तो थोड़ी सी जो है ना राहत की सांस ली कि चलो यार अब कहीं पे टहल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अदरवाइज तो बारिश हो रही होती तब तो आफत थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल जो दिमाग में चल रहा है वो है कि यार पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेट्स सी, लेट्स होप। आपकी ना दुकान का सबसे सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया तो ये सबसे सस्ता, अगर महंगा देना तो रोज की 10 रुपए की किस्त बांध दो, 1 साल की, 2 साल की बांध दो, 5 साल की बांध दो, आप करोगे किस्त भाई साहब, उधार आप देते हो? अच्छा नहीं नहीं लो भाई, ये देखो भाई साहब वियतनाम जाना कितना महंगा पड़ रहा है यार, कसम से यार। मनी भाई दे रहे हो पैसे? आपके लिए किडनी निकाल, मनी भाई कार्ड खोल दो अपना यार, नहीं किडनी नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए आपका बस। अच्छा थोड़ा सा बताओ ना कौन सा बढ़िया है कौन सा ठीक है, ये अच्छा ये बेटर है, इसके साथ आपको वायरलेस चार्जिंग केस मिल जाएगा। रोड वाले के साथ क्या है इसका ड्रॉबैक, ये है कि सर वायरलेस चार्जिंग केस नहीं है, प्लस अगर आपको फोन वगैरह में किसी में भी अटैच करना है ना केबल लगानी पड़ेगी अलग से और ऊपर क्लिप करना पड़ेगा। नहीं मुझे वायरलेस नहीं है, ये वायरलेस है हाँ, लेकिन कनेक्टिविटी देने के लिए ना फोन से या किसी भी चीज से आपको केबल लगानी पड़ेगी, तो लगानी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ डायरेक्ट। अच्छा डीजे वाला आपने फोन वो प्लग एंड प्ले, अच्छा वो कितने का? ये पक्का सस्ता होगा, हराम मैं दूंगा हराम। और ये 31.5 हाय हाय, मतलब छुटते एकदम हाथ से काम शुरू हो गया, मतलब चक्कर हो रहा क्या? कल तो पानी पिलाओ मेरे को यार, है ना पानी, ये बहुत ज्यादा यार, 31,500 रुपए बताओ यार।
मैं तभी तो बैठ गया नीचे, मैंने बोला भाई हां चक्कर सा आ गया सुन के यार, कोई 5-6 हज़ार वाला नहीं है क्या आपके पास? हाँ फिर यार वो दिखाओ यार, क्यों जबरदस्ती यार ये क्या मतलब? अरे नहीं नहीं आप ये लो, अरे ऐसे कैसे ले लो यार, ऐसे कैसे ले लो? अरे यार कोई बात नहीं, हाय राम हाय राम। देखो भाई अमीर लोग आए हैं ना, मैंने तो दिला रहा था ये ले ले, लेकिन भाई को कुछ और ही पसंद है। यही है ना, सेम देख रहे हो आप इसमें भाई साहब, 14,690 है प्लस साथ में कैशबैक भी है, 13,588 का है। आप महंगा दे रहे हो। अरे मैच कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। 13,588 का देखो। तो भाई फाइनली ये डिसाइड हुआ है, वायरलेस एम ई ग्रेट ऑडियो फॉर एवरी टाइम रोड का, रोड का रोड रोड ना भाई साहब, समझ नहीं आ रहा इस रोड को कहाँ लूँ। अब वियतनाम में चलाओगे इस रोड को? नहीं, ये रोड चलेगा वियतनाम में, दो रोड जाएंगे नहीं। तो वियतनाम के लिए तैयारी हो रही है। हाँ समझ गया मैं, अरे बिल्कुल समझ गया। कर ले पक्का, कर ले नहीं लगा कितने रहे हो भैया के चैनल पे। हम आज वीडियो के अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। अरे ये तो बढ़िया तरीके से नारियल 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 नहीं, अच्छा चलो ऐसे इसके बाद खोलने के बाद तोड़ते हैं। पहले देख तो लेना अंदर है क्या। अभी क्या भाई साहब, रोटियां इतनी बना रहे हो? अरे निकल गया निकल गया निकल गया, 14,000 रुपये स्टिकर खुल गया। ओ माय गॉड, सो ही इज द फर्स्ट लुक ऑफ वायरलेस मी। दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर। अच्छा ये ट्रांसमीटर कौन सा है? ये और ये रिसीवर है। इसके साथ में हमको मिलने वाला है एक छोटा सा माइक रखने के लिए, और डेड कट आती है साथ में दो। अरे वाह, ये तो मैं सिर पे लगा लूंगा। अच्छा भाई, और सारे के सारे केबल्स आ रही हैं। अच्छा ये टाइप सी टू, ओके टाइप सी टू लाइटनिंग आईफोन के लिए। ये है फोन के लिए TRRS, और ये है TRS कैमरे के लिए। भाई साहब ये हिंदी में, अच्छा नहीं चलो बता दो कोई बात नहीं, ठीक है बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन आप बोलते रहो जो भी बोल रहे हो, ठीक है अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, पैसे नहीं लगेंगे आपसे, पैसे नहीं मांगेगा। ओ नो नो नथिंग नथिंग ऑल फ्री। या तो ये इसके साथ रहेगा हमेशा, ऐसे चिपका रहेगा इसके नीचे, ऐसे करके ऐसे गिर भी जाता है तो वो निकलेगा नहीं। अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ये ऐसे चिपका रहेगा, ऐसे चिपका रहेगा। अब बोलना शुरू कीजिए। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 डू डॉग। हाँ ओ वाह, मनी भाई देखो चेक कर रहे हैं कि माइक पकड़ के कि ये कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, और फोन आपके सामने है भाई साहब के साथ। अरे भाई साहब एकदम स्मार्ट ही आदमी है ये, देखो रखो आपके लिए। आ जाओ सुना दो, करेंगे क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो थी हमारी वो फेल हो गई, कोई बात नहीं लेकिन हम माफ कर देते हैं, दूसरी रिकॉर्डिंग अब दोबारा मनी भाई करेंगे अपने शुभ हाथों से और शुभ मुंह से। मनोज भाई ने इसलिए लिया क्योंकि बोला भाई देखो आप ले लोगे फिर आपका यूसेज देख के फिर मैं भी ले लूंगा, मतलब इंस्पायर इंस्पायर देखो ये मैंने लिया अब इसको देख के आप लोगे कभी ना कभी जब मैं आपको दिखाऊंगा। सेम नहीं, सेम मैं सेम दिलवाऊंगा ना भाई को। हाँ मैं वो सेम चीज लूंगा, पहले आप ले लोगे आप यूज करोगे, हम मिलेंगे हम देखेंगे फिर वीडियोस देख के वाह वाह बोलूंगा आपकी। तो भाई आ चुके हैं हम लोग सरदार जी बख्श, और अब यहाँ पे मनी भाई से बात करते हैं। क्या आप पिला रहे हो भाई? क्या पिला रहे हो आप? क्या ठीक है डन, सैंडविच वगैरह कुछ खाना है कुछ खाने के लिए? ये रहा मनोज भाई का, और ये रहा अपना। सस्ता कैसे हो गया, सस्ता कैसे हो गया, देखने में तो ये देखने में तो ये लग रहा है भाई लोग हमारे से ज़्यादा ही लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं अमीर लोगों के साथ आने का ये फ़ायदा हो जाता है ना, बैंकर अमीर मतलब पैसे। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा खिलाया पिलाया आपने सरदार जी बख्श में, कॉफ़ी भी पिला दी आपने, जान हाजिर है ना। और आपका जो व्लॉग आने वाला है अभी वियतनाम का, वो रॉड माइक से रोड है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है, आवाज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना उसमें, बहुत
देखो उसमें रोड का माइक यूज होगा भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल उसका माइक स्पेशल यूज होगा, तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है मेरी आवाज सुन के। बिल्कुल आपकी आवाज बाद में सुनेंगे, इनकी आवाज मुझे सुनना है, है ना। इनकी एक दो गाना मैंने सुना, बहुत अच्छा गाते हो आप, है ना, रियली बहुत अच्छा गाते हो आप। हम खुद सुनते ही रहते हैं इसके गाने। चलिए फिर ठीक है मनी भाई, ओके बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय 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 बाय। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और अब अपने घर की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुका है। तो भाई आज का दिन ऑलमोस्ट मैंने पूरा पूरा निकाल दिया और जिस काम के लिए गए थे चलो वो एक कंप्लीट हो गया। मनोज भाई का एक तो माइक लेना था, दूसरा वो ट्रिप पे जा रहे थे तो कुछ कुछ डिस्कशन थी वो करना था और अगले ट्रिप की तैयारी शुरू करनी थी। फाइनली हमने जो है मतलब मनोज भाई को दिला दिया भाई, रॉड का माइक दिलाया और अच्छा है यार, परफॉर्मेंस अच्छा है वायरलेस माइक का। तो थोड़ा सा मतलब अगर कहीं पे विंडी है या कुछ है तो उसका यूज़ कर लेते हो तो थोड़ा सा वो वॉइस क्लैरिटी जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ना मतलब एडिटिंग करते जाते हो, उस तरह से इम्प्रोवाइजेशन करते जाते हो और सीखते जाते हो तो उस हिसाब से आप अपने जो है ना मतलब गैजेट्स को अपग्रेड करते हो। मैंने तो अभी तक यार कुछ भी नहीं अपग्रेड किया है, तो एक फ़ोन है बस उससे ही काम चल रहा है अपना और इससे ज़्यादा अपने पास यार है नहीं कि मैं कुछ अपग्रेड करूं। तो इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और अब मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्दी। गुड नाइट।